चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे और वीडियोस देखने के लिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें जिससे कि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आज की हमारी रेसिपी है फ्राई मोमोज, जिसे हम बनाएंगे मैगी के साथ में और वो भी स्ट्रीट स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैगी मोमोज बनाने के लिए हमने ली है मैगी, जिसे हमें बॉईल करना है। और इसे बॉईल करने के लिए हमने पानी जो है पहले ही गर्म करके रख रखा है। तो इसमें अब हम मैगी को डाल देते हैं और 4 से 5 मिनट के लिए इसे बॉईल होने देते हैं। पाँच मिनट बाद में मैगी हमारी जो है अच्छे से बॉईल हो चुकी है, तो इसे अलग से छान करके निकाल लेंगे। अब लेते हैं कढ़ाई और उसमें 1 से 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। और इसमें अब हम लेफ्ट ओवर मोमोज को फ्राई करते हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल हल्का फ्राई ही करना है। मोमोज जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और उन पे हल्का सा रेडिश कलर भी आ गया है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इसके साथ में हमने पत्ता गोभी को बिल्कुल लंबे आकार में बारीक काट लिया है। और इसके साथ में हमने लिया है प्याज, 2 तरीकों से कटी हुई, एक लंबी कटी हुई है, एक अनइक्वल शेप में कटी हुई है, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। कढ़ाई लेकर के उसमें 1 से 2 चम्मच तेल डालते हैं, ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करना है हमें। और अब इसमें डाल देते हैं हम कटी हुई वेजीज, पत्ता गोभी, प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहे तो इसके अंदर कैप्सिकम और गाजर भी मिला सकते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए चलाते हुए हल्का भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें इसे। अब इसमें डाल देते हैं बॉइल्ड मैगी और अच्छे से मिला लेते हैं। इसे भी मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। इसके साथ ही हम मिला लेते हैं इसमें फ्राई किए हुए मोमोज, और साथ ही हम सॉस भी अभी मिला लेंगे। तो सबसे पहले 1 चम्मच हम मिलाएंगे टोमेटो केचप, 1 चम्मच लगभग मिलाएंगे हम रेड चिली सॉस, और 1 चम्मच लगभग मिलाएंगे हम सोया सॉस। इन सबको मिला करके अच्छी तरीके से चला लेंगे और 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर चलाते रहेंगे। इसे अच्छे से चलाते हुए मिलाना है, जिससे कि ये भुन भी जाए अच्छे से और जो सॉस है वो भी इक्वली मिल जाए इसमें।
सॉस जो है अच्छे से मिल गया है और हमारा मोमोज और नूडल्स भी अच्छे से भुन गए हैं, तो इसे और स्पाइसी बनाने के लिए हम डाल देते हैं इसमें लाल मिर्ची की चटनी। लगभग 4 से 5 चम्मच डालेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह शेजवान सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही डाल देंगे इसमें स्वादानुसार नमक और लाल मिर्ची पाउडर आधी चम्मच। इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें मिला देते हैं मैगी मसाला। इससे जो टेस्ट है बिल्कुल स्ट्रीट वाले मोमोज की तरह आएगा। इसे हाई फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से मिला लेते हैं। हमारे स्ट्रीट स्टाइल मोमोज बनकर के बिल्कुल तैयार हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी लग रहे हैं। तो जब तक मैं इसका लुफ्त उठाती हूँ, तब तक आप जा कर के इसे तैयार कीजिए और ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।